ये वीडियो होने वाला है पेरेंटिंग टिप्स के लिए। हम सभी को एक मन में सवाल रहता है कि हम एक सही पेरेंट हैं कि नहीं, मतलब हम सही तरीके से अपने बच्चे का ध्यान रख पा रहे हैं कि नहीं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अपने नए व्लॉग के साथ आ चुका हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा कि इसे डेन टॉक किया जाए, आपसे कुछ बातें की जाए और अपने थॉट शेयर करता हूँ। 10 चीज़ें जो आपको अपने बच्चे को बतानी चाहिए ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके ज़िंदगी में। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, हर एक बच्चा यूनिक है अपने ही अंदाज में, मतलब किसी से कंपेयर मत करिए। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग को कंपेयर करते हुए कि मेरा बच्चा ऐसा है, ये प्रॉब्लम है या बहुत अच्छा है किसी और के नाम लेके, मतलब तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हर एक बच्चा काफ़ी यूनिक रहता है। मुझे अभी भी याद है जब हम बचपन में, कुछ दोस्त मेरे ऐसे थे जिन जो कि फिजिकली चैलेंज थे, तो मैं देखता था काफ़ी लोग उनको काफ़ी चिढ़ाते थे, काफ़ी बच्चे, तो ठीक है बच्चे लोग तो चिढ़ाते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट्स उनको गाइडेंस देना ज़रूरी है कि भाई हर एक को दोस्ती का, हर एक बच्चे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो अकेले ना फील करें। जब से मैं गुरुद्वारा जाना चालू किया हूँ तब से मैंने देखा है कि सेवा भाव, मतलब आप कैसे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो ये अगर मैं तो सोचा हूँ कि ऐसा सेवा में थोड़े दिन के लिए अपने बच्चे को लेके जाना चाहिए कि भाई वो देखे सीखे लोगों कैसे हेल्प करना है, क्या करना है। इट ब्रिंग्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर कि आपको हेल्प करनी है, मतलब एक सेवा देते वक्त जो आपका भाव रहता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक्चुअली बचपन से ही बच्चों को हर एक जगह हमको लेके जाना चाहिए, दुनिया क्या है वो घुमाना चाहिए, मतलब क्योंकि जो दुनिया घूमेगा, जो हर एक जगह जाएगा, वो एक आदमी खिल जाता है, मतलब उसका पर्सपेक्टिव भी अलग रहता है लाइफ में। तो हम उनको कहीं अलग अलग जगह हर एक वीकेंड्स में लेके जा सकते हैं, या जैसे गुरुद्वारा में सेवा के लिए लेके जा सकते हैं, नेचर के लिए एक घूमने के लिए लेके जा सकते हैं, कोई ट्राइबल एरिया में लेके जा सकते हैं कि भाई गरीबों के बच्चे कैसे रह रहे हैं, कैसे खाना पीना खाते हैं, वो भी उन्हें पता चलना चाहिए, मतलब ताकि उनको भी दुनिया क्या है पता चले। ये हेल्पिंग हैंड का कंसेप्ट कि मतलब आपका हाथ जब भी उठे किसी को हेल्प करने के लिए उठे, किसी को कुछ देने के लिए उठे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो मैंने नोट किया है कि जब आदमी किसी को देता है तो जो खुशी मिलती है दैट इज अमेजिंग। कि आपको सच बोलना है, कोई भी सर्कमस्टेंसेज आए, कुछ भी आए, तो आपको झूठ नहीं बोलना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, आगे जाके काम आता है कि आप एक बार सच बोल दिए तो आपको कुछ, क्योंकि एक झूठ बोलने के बाद आपको उसको छुपाना पड़ता है, काफ़ी कुछ रहता है। जो भी सिचुएशन, अगर आप अपने सच बोल दिया तो बिंदास रहने का मतलब। मैं अपने बच्चे को ये तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए लाइफ को, मतलब घूमो फिरो, जो भी करना है सही तरीके से करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, लेकिन अपने आप को एक एक्सप्लोर करना है और अपनी लिमिट्स जानने की हम क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में। क्योंकि वो जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या क्या लाइफ में एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये बात सबके लिए एप्लीकेबल है। तो आप खुद भी क्या क्या एक्सप्लोर करिए, आप कितना रिस्पेक्ट देते हैं आपके लोगों को, आपकी फैमिली मेम्बर्स को या आपके सोसाइटी मेम्बर्स को, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको लाइफ में बहुत काम आएगा। मेरा बच्चा खुद 5 साल का है तो मुझे भी पता नहीं है कि किस किस स्टेज पे उसे क्या क्या बताना है या करना है, लेकिन जो मैंने एक थॉट प्रोसेस में लाया है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है एक अच्छा इंसान बनना ज़िंदगी में। इसलिए स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इसमें जितना पार्टिसिपेशन किया जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि बच्चे लोग को इन्वॉल्व किया जाए गेम्स में, एक टीम स्पिरिट बनती है खेलने में, तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई करो, आप खेलो कूदो सब कुछ करो, लाइफ में जो भी कर सकते हो करके देखो। तो जब मैं पहली बार हॉस्टल में गया था तब मुझे लगा कि अरे यार घर से दूर आ गए हैं, तो ये मेरे को समझ में आ गया कि अपने बच्चों को सिखाना ज़रूरी है इंडिपेंडेंट रहना, कि कोई भी सिचुएशन में वो अकेले भी रह सकें, अपना खाना पीना खुद बना सकें, मतलब डिपेंडेंट ना रहे कि कपड़ा धोना है, बर्तन साफ करना है, झाड़ू लगाना, बेसिक से बेसिक चीज़ें तो ये आनी ही चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़का है तो नहीं सीखेगा, मतलब अभी तो वैसे कुछ रह नहीं गया, लेकिन फिर भी एक रहता है कि लड़की करती है सब, लड़के को नहीं भी आएगा तो चलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है, मतलब हर एक को आना ही चाहिए। सो मेरे साथ अभी रुचि जॉयफुल लाइफ है, तो आपका क्या कुछ कहना है तो बताइए आप भी। और मैंने एक ये भी चीज सीखा है कि मतलब कभी भी बच्चे लोगों को या लड़कों लड़के लड़कियों को
मतलब सबको खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको एक साथ खुश करने के चक्कर में मतलब अपनी फीलिंग्स और उसका भी ध्यान देना चाहिए। मैं अपने बच्चे को ये तो जरूर कहना चाहूंगा कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए लाइफ को, मतलब घूमो फिरो, जो भी करना है सही तरीके से करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, लेकिन अपने आप को एक एक्सप्लोर करना है और अपनी लिमिट्स जानने की हम क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में, क्योंकि वो जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या क्या लाइफ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये बात सबके लिए एप्लीकेबल है, तो आप खुद भी क्या क्या एक्सप्लोर करिए। मैंने अपने दोस्त अरुण शर्मा से भी इनपुट लिया कि भाई ऐसा कुछ टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, आप भी अपना इनपुट दीजिए, तो कुछ उनके भी कुछ इनपुट्स आपके लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक इंसान को अपने खुद के प्रति भी वो प्यार होना चाहिए, सेल्फ लव जो हम बोलते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी काम आता है ज़िंदगी भर, कि आपको खुद से प्यार होना ज़रूरी है, कि आप जो हो उसको एक्सेप्ट करो। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जो मेरे दोस्त अरुण शर्मा ने मुझे बताया था कि हर एक लम्हा, हर एक मोमेंट जो आप जी रहे हैं उसे कॉन्शियसली जिए, मतलब होशो आवाज़ में जिए, तो एक अलग ही दुनिया नज़र आती है, एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। नेचर के प्रति आपको जागरूक अपने बच्चों को करना है और उसमें वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लव फॉर नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें आज से ही जागरूक होना पड़ेगा कि आगे जो फ्यूचर है उसमें उनको क्या कंट्रीब्यूशन देना है। गार्डनिंग, मतलब एक बच्चे लोग को कि गार्डन मेंटेन करना, कैसे पेड़ उगते हैं, उसे कैसे रक्षा करनी है, ये सब आना बहुत ज़रूरी है। और एक उनका नेचर के प्रति उनका एक प्यार उत्पन्न होता है। शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो जो भी हम हमारे पास है वो हमें शेयर करना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है। जो भी भगवान ने दिया है हमें, उसके प्रति हमें एक आदर प्रणाम करना है कि थैंक यू गॉड जो भी आपने हमें दिया। हम सभी ने 3 इडियट्स पिक्चर ज़रूर देखी होगी, जिसमें अपने दिल की सुनो और जो सही मैं करना चाहता हूँ उसको फॉलो करो, ये मैसेज दिया गया था। तो मैं रियली में बिलीव करता हूँ कि हमें भी उसी दिशा में चलना चाहिए, कि जो हमें सही लगता है उसी को फॉलो करो, ठीक है। अड़चनें आएंगी लेकिन आप आगे उसमें बढ़ सकते हो और कुछ दिल को अच्छा भी लगेगा करते हुए। रिलेशनशिप निभाना ज़िंदगी में, उसकी अहमियत समझना, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसकी अहमियत समझी जाए, अपनी दोस्ती यारी सबको निभाया जाए। हर एक स्टेज पे ये ज़रूरत पड़ती है दोस्तों की, वो तो समझ में आ ही जाएगा लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि कितना इम्पोर्टेंट। मेरे मॉम डैड सब गांव में पढ़े लिखे थे, फिर नौकरी के लिए यहाँ पे आए, तो मेन जो गांव का कल्चर था उनका, जो मैंने थोड़ा कम देखा है, मतलब इतने सालों में मैं करीबन 5-6-7 बार ही जा चुका हूँ गाँव में, तो मुझे उतना फीलिंग नहीं है वहाँ की। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे बच्चे लोग को एटलीस्ट वो टच रहे वहाँ का। हम सब ने देखा है कि पैसा इम्पोर्टेंट है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो पैसे के बारे में बताना धीरे धीरे ज़रूरी है। उसको समझ में भी आना चाहिए कंसेप्ट कि क्या है पैसा और उसे सही तरीके से कैसे कमाया जाए। और एक और चीज़ थी, आपको इंडिपेंडेंटली भी बहुत जन को देखा है मैंने कि अपनी स्कूलिंग के साथ साथ वो जॉब भी करते थे, मतलब जो कि मैंने कभी किया नहीं है फ्रेंकली। कम एज में ही लोग कैसे हम कमा सकते हैं या कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका लगा मुझको कि अपने आप को वो इवेल्युएट करते हैं कि कुछ कर रहा हूँ मैं बिजनेस टाइप में, तो वैसा भी अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। हम मॉरल स्टोरीज बचपन में सुनते हैं, उसका एक काफ़ी गहरा इम्पैक्ट आता है हम सबके जीवन पे। मतलब मुझे भी याद है जब मैं छोटा था तो काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरी जो टीवी में देखता था उसका इम्पैक्ट काफ़ी गहरा पड़ा मेरे लाइफ में, कि किसी की हेल्प करनी है या जो भी आप सिखाते हैं। तो आपको भी लगता है कि इसमें और कुछ पॉइंट्स जोड़ने चाहिए, मतलब हालांकि काफ़ी कुछ है जो कि इसमें जोड़ा जा सकता है, तो आप भी मुझे कमेंट में बताइए या मुझे प्लीज़ शेयर करिए। सो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और दुआओं में याद करिएगा।
Thank you.